तरीके से पूरा ये डैशबोर्ड खोल दिया था हमने इसको, हमने हाइड्रोडिप का काम किया इसके ऊपर। हाइड्रोडिप इन द सेंस कि हमने इसको जो ग्रे पार्ट था उसको प्रॉपर पूरा ब्लैक कर दिया, इस वाले को हमने ग्रीन कर दिया जो कि एयरबैग का पार्ट है, प्रॉपर पूरा खुला हुआ है। उसके बाद इसको प्रॉपर पूरा सील किया जा रहा है जिस तरीके से खोला था भाई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको समय देना पड़ता है, प्रोफेशनल तरीका होता है, जिस तरीके से खुलता है उसी तरीके से बंद करना होता है। जितने भी आप ये वाइट डॉट्स इस पर देख रहे हो सब पे स्क्रू घसेगा, और एक भी जगह ऐसी नहीं जिस पे स्क्रू नहीं घसेगा, जिसमें आपको ये दिखेगा कि एक आधा कोई पार्ट रह गया। तो जिस तरीके से भाई खुला था उसी तरीके से 100% ये प्रॉपर पूरा पैक हो जाएगा। डोर ट्रिम भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा डोर ट्रिम इसका खुला हुआ है, जहाँ पर ये जितने आपको डॉट्स दिख रहे हैं, जितने भी भाई ये सारे डॉट्स दिख रहे हैं, ये सब रिपीट से लॉक थी। रिपीट को काटा, रिपीट को काटने के बाद हमने इस तरीके से इसको स्क्रू कर दिया। तो चार पार्ट्स के अंदर ये पैनल है जिसको प्रॉपर खोल के प्रॉपर पूरा बंद करना पड़ता है। सो इसका भी बहुत प्रोफेशनल तरीका है, जिस तरीके से खोल रहा है उसी तरीके से इसको पैक करना है। और रेडी होने के बाद जो डोर है उसको भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर रबर से लॉक किया हुआ है, जिससे अगर स्क्रू का कुछ रैटलिंग नॉइस आना हो, कोई लूज हो, तो वो इसमें बिल्कुल आने वाला नहीं है। सो इसी तरीके से प्रॉपर पूरा ये डोर खुला है, उसी तरीके से प्रॉपर पूरा पैक हो जाएगा ये भी। हाँ जी भाई जी, चल रही वीडियो चल रही है? हाँ जी हाँ जी, मजेदार एकदम मजेदार। हाँ मुझे मुझे थोड़ा ताड़ लिया। सो भाई आज की जो गाड़ी है ये क्रेटा, ये मेरे शौक की थी कि मेरे मन में थी कि मुझे क्रेटा लेनी है और उसका लग्जरी डीलर कर रहा है। सबकी गाड़ियों में डीलर किया तो भाई अपनी गाड़ी में क्यों नहीं कर रहा था। सो आज एक सीरियल की मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसके पहले इलेक्ट्रिक पार्ट से जितने थे वो मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली हुई थी। सो आज का मेरा मन था कुछ एक्सटीरियर के अंदर मैंने काम किया, कुछ इंटीरियर्स के अंदर काम किया, ब्रेजा के ऊपर मैंने बहुत काम किया, मैंने विटारा के ऊपर बहुत सारा काम किया भाई। पूरे लोगों ने उसको कॉपी कर दिया, पूरे इंटीरियर्स कॉपी कर दिए। ब्रेजा के तो जो मेरा पर्सन ग्रीन का कॉम्बिनेशन था वो तो हमारे भाई साहब रवि जी ने पूरा 00 कॉपी करवा दिया। सो अभी ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली खुद अपनी वीडियो बनाने के लिए, जो मैंने क्रेटा ली, क्रेटा के लिए पहले पूरा मैंने इंटीरियर्स के ऊपर मैंने काम किया, इलेक्ट्रिक वर्क्स के ऊपर मैंने सारा काम किया, लाइटों में काम किया, ऑडियो सेटअप में पूरा काम किया। ऑडियो सेटअप की गाड़ी मैंने बनाई, मैंने साइड में फोल्डेबल आज भी मैंने लगाए, और जिस तरीके से मैंने गाड़ी रेडी करी वो एक्सट्रीम बिल्कुल अलग है, नॉर्मल गाड़ियों से बिल्कुल ये डिफरेंट है, और 100% ये ब्रांड न्यू कंसेप्ट है अभी के लिए। वन इन इंडिया वाली बात तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर बनेगी बनेगी। सो स्टार्ट करूंगा मैं फ्रंट के ऊपर से। फ्रंट के अंदर मैंने आपको दिखाई थी एलईडी हमने यहाँ पर यूज करी हुई ऊपर नीचे दोनों, और जो नीचे वाला पार्ट था ये इसका सिल्वर कलर का था, और सिल्वर कलर से उतार के मैंने इसको कार्बन व्हाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये वाली जो अंदर की वेंट्स है, जो ग्रिल है, ये मैट फिनिश में थी। ये वाली जो सारी ग्रिल है ये पूरी मैट फिनिश में थी। ये वाले पार्ट्स इसके ब्लैक पियानो में आते हैं, ये नॉर्मली पियानो ब्लैक थे। ये वाला जो भाई लोगो था, ये लोगो था इसका सिल्वर कलर में, जो कि मैट सिल्वर था, उसको मैंने व्हाइट कार्बन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रंट की ग्रिल को मैंने प्रॉपर पूरी व्हाइट कार्बन में कन्वर्ट कर दिया। जो इसकी नंबर प्लेट के पीछे वाली जो फेस है इसको भी मैंने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। कैमरा जो मेरे अंदर लगा हुआ था उसको मैंने निकाल के बाहर कर दिया, ये भी प्लग इन पे तरीके से भाई एकदम परफेक्ट लग गया। और सिस्टम की आउटपुट और सिस्टम के लिए एक वीडियो में दोबारा डालूंगा मैं। सो फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आज हमने इसको कर दिया पियानो ब्लैक, नीचे वाले पार्ट को हमने कर दिया कार्बन व्हाइट के अंदर, जिसकी फिट फिनिश एकदम सुपर डुपर, और लगने के बाद तो भाई ये माशाल्लाह एकदम क्लास लग ही रही है। पियानो ब्लैक की जो थीम है ये भी अपने आप में क्लास है, और बहुत बढ़िया चीज इसके ऊपर ये लग रही है। ये फ्रंट प्रोफाइल के अंदर इतना ही काम था, जो कि काम था ये सेम मेरी गाड़ी 1114, मेरी क्रेटा का बेस मॉडल, लग्जरी करनी थी हमेशा मैंने सोच के रखा था अपनी गाड़ी के लिए, ऐसा कुछ करके दूंगा मैं। जब तक हुंडई शोरूम में था तब तक तो बहुत मॉडिफिकेशन करते थे, अंदर के भी कंसेप्ट मैंने बिल्कुल डिफरेंट किए हुए थे। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर सेम ऐसे ही किया, ऐसे ही मैंने बैक प्रोफाइल के अंदर भी सेम किया। जो सिल्वर कलर की स्कीड गाड़ी थी उसको मैंने व्हाइट कार्बन में कन्वर्ट कर दिया, और गाड़ी का जो काम है वो पूरा परफेक्ट कर दिया भाई। इसको खोलना पड़ता है, पहले मैंने सारे शॉर्ट्स इसमें डाले हुए हैं कि पूरी गाड़ी किस तरीके से खुली हुई है, किस तरीके से मेरी पैक हो रखी है। तो फ्रंट प्रोफाइल आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसे कलर हम कॉम्बिनेशन बहुत सारे चेंज कर सकते हैं, नीचे का जो उसकी गार्निश है इसको भी आप पियानो ब्लैक कर सकते हो, कलर टू कलर वेरी करता है, कलर के हिसाब से प्रॉपर पूरा मैच करते हो। पर्पज इसका एक ये था कि मैट फिनिश में था, ये वाला मैट फिनिश में था, साफ सफाई में बहुत दिक्कत होती थी, गंदा लगता था, तो इसको व्हाइट कलर का सेम करने के लिए इसका पूरा बम्पर खोला, उसको व्हाइट कन्वर्ट कर दिया, और सुपर क्लास। मुझे तो भाई मेरे मन में थी कि इस तरीके की गाड़ी बनानी है, मेरे लिए तो ये परफेक्ट बनी हुई है। आपके कमेंट्स की बड़ी रिक्वायरमेंट है कि इस तरीके से ये लग रही है आपको। साइड में फोल्डेबल मैंने पहले इसके किए हुए थे, जो कि रिमोट से लॉक होगा, ये फोल्ड हुए
रिमोट से अनलॉक होगा, ये अनफोल्ड होंगे। ये भी जो है ये क्रेटा हुंडई का जर्मन पार्ट है, ये 4299 के आसपास इसका एक कॉस्ट होती है, 700 रुपये के अंदर के वो सैशेज होते हैं इसके, और उसी तरीके से हमारी ये प्रॉपर पूरी गाड़ी जो है कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा वो लेटर बिट आपको ऐसा कलर कॉम्बिनेशन अंदर का दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, और अदरवाइज ऐसा नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको पूरी गाड़ी दिखाना चाहूँगा। फ्रंट प्रोफाइल में सेम यही था, साइड में रॉयल व्हील्स लगाए थे, कार के पीछे स्लैब लगाए हुए थे 16 इंची का रिम, 16 इंची को उतार के मैंने इसके अंदर 17 इंची में कन्वर्ट किया हुआ इसको, और योकोहामा का मैंने टायर डाला हुआ इसके ऊपर। मफलर जो है ये जेन्युइन है, 100% हुंडई का जेन्युइन पार्ट है ये, और इसी तरीके से जो है ये मेरी गाड़ी का जो फ्रंट पार्ट है प्रॉपर पूरा हो गया। बैक साइड में अगर आपको दिखाऊं मैं, बैक वाला जो ये पार्ट है ये सिल्वर फिनिश में था, सिल्वर को मैंने सेम अपना कार्बन व्हाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिससे गाड़ी की लुक्स प्रॉपर एनहांस हो गई। डिफॉगर ग्लास मैंने इस पे लगा रखा, मैंने मोटर वाइपर अभी नहीं इंस्टॉलेशन करी, थोड़ा सा और समय मुझे चाहिए था कि एक बार और आरएनडी कर लूँ, परफेक्ट तरीका क्या है उसको समझना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक जो लगा रहे हैं, बट मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं अपनी गाड़ी के अंदर जब तक आरएनडी नहीं करूँगा तब तक मैं उस कंसेप्ट पे नहीं जाना चाह रहा। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर सेम था, साइड प्रोफाइल के अंदर सेम था, बैक प्रोफाइल के अंदर सेम था। शार्क एंटीना मैंने हुंडई जेन्युइन इसके ऊपर पहले इंस्टॉलेशन कर लिया था, डिफॉगर मैंने सेम इंस्टॉलेशन। सो भाई उसी तरीके से जिस तरीके से प्रॉपर पूरी गाड़ी रेडी थी हमारी, और शार्क एंटीना मैंने जैसे आपको बताया मैंने वो पहले लगा लिया था। सो पूरी गाड़ी मैंने आपको दिखाई किस तरीके से फ्रंट किया रेडी, साइड करी, बैक हमने रेडी करी। आज चलेंगे भाई इंटीरियर के ऊपर, जो इंटीरियर मेरी गाड़ी का है वो 100% सुपर बेस्ट है, मेरी तरफ से तो बहुत क्लास इंटीरियर है। बाकी अब सेम वही मैंने आपको जैसे बताया कि आपके कमेंट्स में जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा मेरा इंटीरियर लग रहा है। तो आओ मोहित एक बार दिखाते हैं पूरी गाड़ी का इंटीरियर, मैंने शॉर्ट्स में तो वैसे बहुत सारी जगह डाली रखा है ये, और शॉर्ट्स में डालने का जो पर्पज है वो सेम उसी तरीके से ही है ये। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी का जो इंटीरियर है वो किस तरीके का भाई इंटीरियर है। दरवाजा खोलने पे जैसे हमेशा मैंने आपको बताया वॉव फैक्टर आना चाहिए, वॉव फैक्टर आने के लिए जो इंटीरियर का काम है वो 100% बेस्ट होना चाहिए, और अपनी तरफ से जो मैंने इसका गाड़ी का इंटीरियर किया वो सुपर बेस्ट तो लग्जरी किया ही किया है। तो प्रेजेंट करूंगा भाई मैं अपनी गाड़ी का ये इंटीरियर, जिसको मैंने ग्रीन और डिफरेंट कलर में पूरा कंसेप्ट रेडी किया हुई है। जितने भी अभी मैंने शॉर्ट्स पूरे डाले हुए, शॉर्ट्स के अंदर प्रॉपर आपने सारी चीजें देखी, किस तरीके से मैंने इसका डोर रेडी करा, किस तरीके से इसको खोला, किस तरीके से पैक किया, पूरी गाड़ी के अंदर पूरा इंटीरियर इस गाड़ी का चेंज है। जो ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन था वो पूरी गाड़ी से मैंने हटा दिया, ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मेरी गाड़ी में बहुत लिमिटेड पार्ट्स है, जहां पर इस पर मैंने रखा हुआ जो मेरे को पार्ट्स लाइट वाले थे जिस पर मेरे को फोकस करना है कि भाई वो ग्रे ही रहे। डोर पैनल को मैंने मैट ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया, नीचे वाले जो पैनल है इसको भी मैंने मैट ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया, ये वाले को मैंने सॉफ्ट फील पेंट किया, हाइड्रो पेंट है ये प्रॉपर पूरा। ये वाले पार्ट में मैंने लेदर राइट नहीं करा क्योंकि मुझे जैसी सिमेट्री चाहिए थी वो बिल्कुल सेम चाहिए थी, और लेदर वर्क मुझे लेदर राइट मैंने को बताया कि मेरे को ये वाला जो पैनल है लेदर राइट में नहीं पसंद था, इसलिए मैंने इसको हाइड्रो पेंट में कन्वर्ट कर दिया। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास मेरी तरफ से सेम, वही मैंने आपके कमेंट्स आना चाहता हूँ कि आपको कलर कैसा लगा है, क्या इसको आपको प्रिंट मटीरियल स्मार्ट लग रहा है या नहीं लग रहा, भाई अपनी तरफ से 100% बेस्ट बनानी थी। जो गाड़ी का रोब है और जो फील है ना जो प्रेजेंस है गाड़ी का वो यार सुपर क्लास है, 100% सुपर क्लास है। मेरी खुद की गाड़ी थी तो मेरे को मेरे मन में था कि पर्सन ग्रीन को करें आउट और नए ग्रीन को करें इन, तो इसी तरीके से प्रॉपर मेरी गाड़ी ये रेडी हो गई, जिसमें डोर प्रोफाइल के साथ सामने डैशबोर्ड का जो सारा काम है, स्टीयरिंग का काम है वो आपको दिखाता हूँ मैं सारा एक बारी। ये वाले डोर के ऊपर हमने हाइड्रोडिप का काम किया हुआ है, इस वाले पैनल को भी ये प्लास्टिक मैट आता है इसको भी हमने हाइड्रोडिप में कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर जो फूल पत्ती वाले डिजाइन है वो मल्टी कलर के अंदर है, इसी के साथ ये सिल्वर पैनल जो है प्रॉपर इसके साथ मर्ज हो रहा है। यहाँ पर जो इसका रिंग था इसे भी हमने सेम इसी कंसेप्ट में रेडी किया है, कंसेप्ट का मतलब 100% ही कंसेप्ट कार है भाई, कंसेप्ट कार के साथ साथ जो इसका फील है जो प्रेजेंस है वो अपने आप में बहुत सुपर क्लास है, बहुत बढ़िया है मेरी तरफ से तो। खैर मुझे बहुत लग्जरी बहुत डिफरेंट कलर लगा था। ये डोर प्रोफाइल सारी मैंने इसके अंदर आपको दिखाई, ये सारी ब्लैक में कन्वर्ट की हुई है हमने, ये अंदर का जो पार्ट है ये सारा आप देख सकते हैं प्रॉपर पूरा ग्रीन कलर के अंदर हमने पैटर्न रेडी किया हुआ है। ऊपर का जो सेंटर इंसर्ट है वो किया, सामने सेंटर स्पीकर मैंने लगाया हुआ वहां पर भी उसकी ग्रिल को करा हुआ है। स्टीयरिंग का जो काम है वो भी 100% बेस्ट है, स्टीयरिंग की जो बैक है ये भी हमने उसी तरीके की करी हुई है, स्टीयरिंग के जो बटन्स हैं ये सिल्वर फिनिश में आते हैं इसको भी मैंने चेंज कर दिया,
एयरबैग का जो कलर है भाई उसको मैंने ब्लैक कर दिया, और स्टेयरिंग का जो पैटर्न है मेरा वो भी बिल्कुल अभी बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नया कंसेप्ट मैंने रेडी किया, ये वाले कंसेप्ट को पुराना है बट मैंने अपनी गाड़ी के लिए सोचा था मुझे वही कंसेप्ट करना है। पूरी गाड़ी एकदम भाई लग्जरी, पूरी ब्लैक के साथ पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो 100% बेस्ट है। सारी गाड़ी आपको सारी जगह से दिख रही है, नीचे का कंसोल आपको दिख रहा है, अंदर के पैटर्न प्रॉपर दिख रहे हैं, सामने के जो पार्ट्स हैं वो सारे हमने बिल्कुल चेंज कर दिए, डोर प्रॉपर चेंज कर दिए, ऑटो आईआर भी मैंने पहले लगा के रखा था, जो पिलर्स हैं पिलर्स भी मैंने इसके ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट करे हुए हैं, ग्रीन कलर के साथ मैंने पैटर्न प्रॉपर पूरा रेडी कर दिया। सीट का डिजाइन 100% बेस्ट, सीट कवर जो थे ये सेम जो ओरिजिनल डिजाइन है उसी के ऊपर काम किया हुआ है, सेम ये ग्रीन कलर का पैटर्न है, ग्रीन कलर का सिल्क नापा और ग्रीन कलर के ये टंबल है सीट कवर, यहाँ पर पाइपिंग का काम किया हुआ है सेम ग्रीन के अंदर, और गाड़ी आपके सामने एकदम सुपर क्लास, एकदम लग्जरी, एकदम बेस्ट। पूरी गाड़ी का काम एकदम बेस्ट तरीके से किया गया यार, और मेरी जो कंसेप्ट कार मैंने बनाई है 100% मेरी तरफ से बहुत बेस्ट मैंने बनाई है। ये बहुत छोटे छोटे इंसर्ट्स हैं इसके अंदर, बहुत छोटे छोटे काम है जहाँ पर ग्रे के पैटर्न से, और पूरी गाड़ी का जो डैशबोर्ड हमने खोल दिया था, डैशबोर्ड खोलने के बाद प्रॉपर उसको पैक करा है भाई, बहुत मेहनत वाला काम है, और अपनी अपनी मेहनत से गाड़ी आप खरीदते हो और उसको किसी के हाथ में देने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ट्रायल किया अपनी गाड़ी के ऊपर और मैं बिल्कुल इसके ऊपर 100% सक्सेस हूँ, और मेरी गाड़ी में कोई ऐसा टेंशन वाला काम नहीं है जहाँ से मेरे को ये मुझे प्रॉब्लम है कोई फेस करना पड़े मुझे कि मेरी गाड़ी के अंदर रैटलिंग नॉइस आ रही है। मैंने डैशबोर्ड गाड़ी का खोला है, डैशबोर्ड के अंदर कोई नॉइस है, स्टीयरिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कोई काम मैंने अपनी गाड़ी के साथ नहीं किया। सो मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, आपने ये 13-14 लाख रुपये की गाड़ी ली है उसको अच्छे से कराओ, और अपने मतलब मेरे से कराओ या कहीं से भी कराओ, मेरे तो मैं वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि भाई जब मैंने अपनी गाड़ी के साथ ऐसा किया है तो मैं आपकी गाड़ी के साथ भी सेम प्रोसेस बना सकता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, ये पैटर्न सारे हम चेंज कर सकते हैं, कंसेप्ट कार है। मैं भी यही चाहूँगा कि जो क्रेटा ओनर्स हैं, क्रेटा जो देख रहे हैं वो काम कराएं और मेरे से ही काम कराएं, क्योंकि बाहर वाले ने क्या करना है मुझे उसका भी कंसेप्ट का मुझे पता है, कुछ ना वो सस्ता आपको बता देगा, सस्ता होने के बाद पूरी गाड़ी का कर देगा वो सत्यानाश। इसको खोलने और बंद करने के लिए भाई बहुत जगह चाहिए, किस तरीके से खुलता है, किस तरीके से पैक होता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो जिसको रिपीट से काटा जाता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिसको स्क्रू लगाया जाता है, स्क्रू के अंदर वॉशर लगी हुई है, तो बहुत मेहनत वाला काम है। इस गाड़ी को रेडी करने के लिए मुझे कम से कम 6-7 दिन लग गए पूरी गाड़ी को कंसेप्ट समझने में, रेडी करने में। तो अपनी गाड़ी के साथ कोई खिलवाड़ मत करना, पूरी गाड़ी का काम आपके सामने मैं आपको पूरा दिखाना चाह रहा हूँ एक बारी, और वही तो से आना एक बारी। जिसको कहते हैं भाई लग्जरी इंटीरियर्स, वो लग्जरी इंटीरियर्स मेरी गाड़ी इस गाड़ी के अंदर है। ये बहुत छोटा सा इंसर्ट है ये वाला, ये मैट फिनिश में आता है, इसको मैट से हमने उतार के सेम अपना हाइड्रेटेड में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला पार्ट बहुत छोटा सा पार्ट था बट इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसको मैंने चेंज कर दिया। ये वाला भी सेम वही चीज, बहुत छोटा सा पार्ट था इसको भी मैंने चेंज कर दिया, कुछ डिफरेंट करना था, कुछ नया करके देना था, तो इस तरीके का कंसेप्ट मैंने रेडी किया। आपको मेरी गाड़ी में कहीं पे भी कोई ग्रे पार्ट नहीं दिखेगा, पूरी गाड़ी का मैंने ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन पूरा कर दिया। सीट कवर का डिजाइन रिंकल फ्री, जैसे मैंने आपको हमेशा दिखाया रिंकल फ्री मेरे सीट कवर्स होते हैं, मेरे सीट कवर में भाई कहीं कोई आपको रिंकल नहीं दिखेगा। जो सीट कवर्स हैं हमारे वो सेम एयरबैग वाले सीट कवर्स हैं, एयरबैग का टैग इसके ऊपर लगा हुआ है, कल को कुछ मिसहैपनिंग होगी तो ये भाई खुलेगा। इसमें जो सिलाई होती है कच्ची सिलाई होती है, सीट कवर का पैटर्न, हेडरेस का पैटर्न, अंदर के पिलर, इवन जो मैंने ये मेरी गाड़ी के पिलर्स है इसको भी मैंने चेंज करा हुआ है, जो कि ये प्रॉपर पूरा ग्रीन किया हुआ है। ये वाले जो लॉक है इसको भी मैंने प्रॉपर पूरा खोल के ग्रीन किया हुआ है, स्टेयरिंग का काम किया, नीचे का काम किया, पूरा कंसोल किया, पूरे कंसोल के साथ ये ऊपर वाले को पैटर्न को रेडी करा, नीचे के चार्जर यूज करे। एक बार पीछे चलते हैं मोहित, पीछे भी दिखाते हैं। भाई मैं तो चाहता हूँ कि भाई जो गाड़ी ले रहा है ना वो अपनी गाड़ी का काम मेरे से ही कराए, मैं तो यही चाहूंगा। मैं आपके पैसे देखो नॉर्मल से बाहर से अलग से एक्स्ट्रा लगेंगे, बट पैसे भी अगर आप जाओगे तो आपको सस्ता कुछ ना कुछ गड़बड़ करके वो दे देगा। कितनी बारी आप गाड़ी को खुलवाओगे, कितनी बारी पैक करवाओगे आपको भी नहीं पता। ये मुझे पता है कि जो मैंने काम किया है वो बहुत लग्जरी है, सुपर स्पेशलिस्ट है, और मतलब बहुत ही
मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरे पास अभी गाड़ी को बना के मैंने जो रेडी किया है मेरे पास वाकई में वर्ड्स नहीं है जो मैंने गाड़ी का काम किया। मेरा खुद का भी मेरा मन था कि मुझे कोई डिफरेंट करके देना है, सो आज मैंने सेम वही चीज़ जितने ग्रे वाले पार्ट्स है भाई सारे मैंने हटा दिए, जो नीचे का बैटन है, इवन अगर आप मेरा ये बैक साइड का जो पैनल है ये भी अगर आप ट्रे वाला पार्ट भी देखोगे इसको भी मैंने ब्लैक किया हुआ है। जो सेंटर का ऊपर वाला पार्ट है वो मेरा ग्रीन है, जो नीचे का पूरा पैटर्न है सारा पूरा ब्लैक है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का पैटर्न है, ग्रीन के साथ हमने ये ब्लैक का कंसेप्ट रेडी किया हुआ है ये, और ब्लैक को कंसेप्ट रेडी करने के बाद ये अपने आप में बहुत जबरदस्त है यार। सो अपनी गाड़ी तो हो गई भाई रेडी, अब आपकी गाड़ी का इंतजार है, कब आप गाड़ी लेकर आओगे, कब मुझसे आप अपने गाड़ी का काम कराओगे। जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाले जो पैटर्न है ये मैंने आपको बताया था ये मेरे ब्लैक कलर के हैं। नीचे का जो पैनल है, नीचे का पैनल भी हमारा ये पूरा ब्लैक फिनिश के अंदर है। ये जो नीचे के ये पैनल्स हैं सारे, ये वाले सीट के जो साइड के कवर्स हैं सारे मैट ब्लैक थे ये और ग्रे कलर के थे, सारे हमने चेंज कर दिए। इसके अंदर भाई हमने एक नई चीज़ लगाई है, यूएसबी सॉकेट, जो कि किसी की गाड़ी में अभी तक आपने नहीं देखा होगा। ये यूएसबी का सॉकेट है, ये इसके अंदर पेन ड्राइव लगाना चाहो तो पेन ड्राइव आप बड़ी ईजिली लगा सकते हो। सिस्टम से प्रॉपर पूरी ऑपरेट करती है और एकदम बेस्ट चलती है। अगर आपने पेन ड्राइव चलाना है, डेटा केबल को यूज़ करनी है आपने, तो अपनी इसमें आप लगा सकते हैं। मेरे पास जो इसका पर्पस था वो मैंने फ्रंट और रियर का कैमरा मेरी गाड़ी में लगा हुआ तो मैंने इसको यूज़ किया। सेम वही लोकेशन है, शेड के नीचे गाड़ी आपकी खड़ी होगी। भाई बार बार बोल रहा हूँ, 15 लाख रुपए की गाड़ी लेकर आ रहे हो आप, अपनी गाड़ी को सेफ सिक्योर हाथों में दो, कार लिबास में लेकर आओ। शेड के नीचे गाड़ी खड़ी होगी, इसी तरीके से प्रॉपर अंदर चली जाएगी। रात को पूरी गाड़ी की आपकी सेफ्टी है, हमारा शटर यहाँ बंद हो जाता है और कहीं कोई आपकी गाड़ी से छेड़खानी नहीं होने वाली। कोई रोड साइड वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास, कोई मेरे को बाहर से कोई लड़का हायर नहीं करना। मेरे पास जो लड़के हैं वो सारे मेरे खुद के हैं, वेल मेंटेन है, ट्रेंड है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस इस तरीके से। हुंडई और मारुति का मेरे पास सेम स्टाफ, वही चीज़ मारुति और हुंडई की है। ऑलमोस्ट जितने मैंने काम किए हुए हैं वो सारे जेन्युइन है। जैसे जो वॉकर लगाया वो मारुति जेन्युइन था, हुंडई जेन्युइन था। स्टेरिंग के कंट्रोल्स लगाए, क्रूज कंट्रोल लगाए, अभी मैं दरबार साहब भी होकर आया पिछले मंडे को, मैं उधर गया था, गोल्डन टेम्पल गया था, और 19.8 की मेरी गाड़ी की एवरेज भी निकली क्योंकि मैंने क्रूज कंट्रोल यूज़ किया था। क्रूज कंट्रोल का मज़ा, जब आप क्रूज लगाते थे उसके बाद बिल्कुल फ्री हैंड आपको बैठना पड़ता है, कोई आपको छेड़ाखानी करने की जरूरत नहीं है। सो सुपर हाईवे था, थोड़ा सा जाम भी था, बट स्टिल 19.8 की एवरेज दी क्योंकि उस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है और इसको बाय डिफॉल्ट कोई वारी काटनी नहीं पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। आपको आना है सेम कार लिबास, कार लिबास का मेरा एड्रेस दिल्ली करमपुरा का ही है, कीर्ति नगर मोती नगर मेट्रो मेरे बहुत पास में, जहाँ पर आपको ये मेरी लोकेशन मिलेगी। नीचे लिखे मोबाइल नंबर मेरे 9811632352, 9811632352, और आओगे तो भाई अच्छा ही करा के लेके जाओगे, नए कंसेप्ट आपकी गाड़ी के बना के दूंगा। जिस तरीके से मेरी ये गाड़ी वन इन इंडिया है, मैं 100% आपकी गाड़ी की भी गारंटी लेता हूँ। नया करके देना तो भाई 100% नया करके देना, कुछ उसमें छिड़खाने वाला कोई काम नहीं होगा, कुछ उल्टा सीधा काम नहीं होगा। आप आओ अपनी गाड़ी को लेकर आओ और अपने बेस्ट कमेंट्स जो आपने देने वो इसको दो, इसको मेरी वीडियो को बना के लेके जाओ बहुत ऊपर तक। 5000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए भी थैंक्स आपका सबका बहुत बहुत। मेरे जो सामने 1.5-2 साल पहले मैंने सामने वाली दुकान थी मेरे पास ऑटो क्रूज वाली, जब मैंने स्टार्ट किया था 222 थे, वो भी मेरे नेबर मेरा फर्स्ट कस्टमर था, उन्होंने मुझे बोला कि यार अपना यूट्यूब चैनल खुद भी आप स्टार्ट कर सकते हो और काम कराओ उसके ऊपर। सो आज मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत। सो मैं करता हूँ यहीं पर वीडियो को एंड, थैंक यू।